हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल क्राफ्टी अंजू एंड योर फ्रेंड अंजू। तो आज की वीडियो है बहुत 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 स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया है गणपति बब्बा जी के लिए डेकोरेशन एंड अदर स्टफ्स। एंड अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से रिपीट ना करूँ। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ सकता है क्योंकि काम चल रहा है साइड वाले घर में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि ये वाले जो है इन्होंने सोचा कि इस पोर्शन को देखा साउंड आना शुरू हो। अब आपको आ रहा है या नहीं पता नहीं, तो मैंने सोचा कि इस वाले पे मैं अपना मतलब जो गणपति बब्बा जी का सिंहासन डेकोरेशन वगैरह जो है वो इस वाले पे करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा मतलब सेपरेट भी है, इसका साइज भी अच्छा है। तो तो पहले हम बैकड्रॉप के लिए कुछ मांगते हैं। मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड पीस लिया है मिठाई का बॉक्स, एंड मैंने जो है इसका डायमीटर अप्रोक्स दैट जो मैंने टेबल आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंग लिया है। एंड इतना बड़ा कंपास नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ इस टेक्निक से ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया एंड देन कटर की हेल्प से कट किया। एंड कट करने के बाद अब मैं कुछ और पेटल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक दिस मतलब कुछ जो कार्डबोर्ड है, एंड फिर उसको हम उसको भी हम कट या फिर आप कटर से भी काट सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छे से प्रॉपर कट करने के बाद हम जो है इसी ही सेम साइज की हम कुछ और लीव्स भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये लीव जो कट आउट था उसको दूसरे कार्डबोर्ड पे ट्रेस किया एंड कट कर लेंगे। ऐसे ही मुझे बहुत मतलब जितनी अपना जो डायमीटर है अपना सर्कल है वो कवर करे, लाइक लीव की नीड है। एंड मैंने लीव्स थोड़ा एक के ऊपर एक कुछ स्टाइल दिए है, आप एक के बाद भी एक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी एक के ऊपर है कॉर्नर साइड से, फिर इसको मैं ब्लू लगाऊंगी। यहाँ मैंने टाइम लैप्स ऑन कर दिया था क्योंकि वीडियो मतलब मुझे हर प्रोसेस भी शूट करना था और थोड़ा वीडियो लंबी भी हो जाती, एंड बट इसका तो थोड़ा सा इफेक्ट फिल्टर या फिर जो भी बोलो आप नेचुरल सा नहीं आया, विच इज़ आई डोंट लाइक, एंड क्या कर सकते हैं। तो बस अब हमने इसे स्टिक कर दिया, हम एक पेस्ट रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हमें टिश्यू पेपर को थोड़ी देर भिगो के रखना है, फिर वाटर एब्जॉर्ब करके निकाल लेना है, एंड फिर उसमें ग्लू एंड अपना फेवरेट कलर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड कर रही हूँ एंड उसको ग्लू सब मतलब एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे ट्वीज़र की हेल्प से। एंड फिर एक सिमिलरली मैंने एक पिंक शेड भी रेडी किया है, देख सकते हैं आप पिंक एंड रेड अलग अलग ग्लासेस में। अब बस आप अपना जो भी जिस सरफेस पे लगाना चाहते हैं पहले ग्लू अप्लाई करिए एंड ट्वीज़र से टिश्यू पेपर के छोटे छोटे उठाते उठाते अपना लगाते चाहिए। और आप चाहे तो इसे प्लान भी रख सकते हैं, बट मेरे को ये टेक्सचर चाहिए था जो ट्वीज़र से आता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ट्वीज़र यूज़ कर रही हूँ। एंड देख सकते हैं हो गया है हमारा फर्स्ट पेटल कंप्लीट। मैंने तो ऑलरेडी दो पेटल पिंक कलर से की हुई है, मैं यहाँ पे पैटर्न रख रही हूँ पिंक एंड रेड का पैटर्न कर रही हूँ। सिमिलरली मैं जो है सारी पेटल्स रेडी कर लूंगी, देख सकते हैं आप ये फिल एंड टेक्सचर ऐड कर लेंगे हम जो इसके पॉइंट पॉइंट बाय मार्क होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने चार पेटल्स रेडी की हैं फिलहाल, एंड बाकी की पेटल्स भी हम रेडी कर लेंगे। थोड़ा स्लो मूविंग होगा क्योंकि टाइम लैप्स भी किया था। एंड अब हम ऑरेंज पेस्ट भी रेडी करेंगे सिमिलरली वे में, एंड जो नीचे का जो सेमी सर्कल था उसको थोड़ा सा ऊपर कवर करते हुए हम ऑरेंज लगा देंगे लाइक दिस। एंड फिर बीच में मुझे लगाना था नीचे भी येलो, लेकिन मेरा टिश्यू पेपर भी खत्म हो गया था एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था मतलब, तो इसी वजह से मैंने ये एक शॉर्टकट अपनाया कि पेपर की हेल्प से सेमी सर्कल कट कर लिया जितना बचा था एंड उस पर क्लिक मतलब स्टिक कर दिया एंड ये हो डन। एंड ये और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है लुक। एंड फिर अब हम एक मैंने एक फ़ोन का बॉक्स लिया है, उसमें मैं सिंहासन बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे रेड कपड़ा लिया है एंड उसको मैं स्टिक कर दूंगी इसके ऊपर कट करके, मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। स्टिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा और डेकोरेट करूंगी सिमिलरली रेड कलर से, मैंने मतलब रेड कलर के उससे मैंने ये फ्लेयर रेडी किया है इसके चारों तीनों कॉर्नर्स पे लगाया, पीछे मैंने नहीं किया क्योंकि वो स्टिक क्यों रहा था, नीचे एक ब्यूटीफुल लेस एंड ऊपर थोड़ा सा गोटा लगा दिया है। फिर ये इस तरीके का लुक है इसका,
प्रीटी सा क्यूट सा लुक है। एंड फिर ये थोड़ा ऊपर जो सिलवटे आ रही थी मैंने प्रेस करना भूल गई थी कपड़े को, तो फिर मैंने इसको नीट लुक देने के लिए एक ग्लिटर शीट यूज की है, इसी के साइज का कट करके इसके ऊपर स्टिक कर दिया एंड इट विल ऑल्सो लुक वेरी प्रीटी। सो आओ फाइनल लुक देखते हैं। सबसे पहले मैंने ली फेक स्लीव्स एंड टेप जिसके मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी। मेरे पास वैसे फ्लावर्स नहीं थे एंड ना लाने का टाइम था, तो इसी वजह से मेरे पास ये थी, मैं जब रूम डेकोरेशन के लिए पर्पज से बनाई थी, बट फिलहाल ये जरूरी है तो ये करते हैं। सो आफ्टर फर्स्ट इट विल लुक लाइक दिस। मैं यहाँ बोल तो नहीं थी लेकिन मैंने नोटिस किया बाद में वीडियो में बहुत 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 सारा साउंड आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पे ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। एंड आर सेकेंड स्टेप इज आर DIY ब्यूटिफुल सनफ्लावर, एंड ये मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा प्रीटी आउटकम भी आया है। एंड हम इसे लगाते हैं, तो मैं ये इसे एज अ बैकड्रॉप यूज कर रही हूँ। एंड मैंने जो इसका डायमीटर है वो जो मेरे टेबल का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही लिया है ताकि वो एकदम फिट आए, एंड देख सकते हैं फिट आया भी है। एंड आप चाहे तो इस मतलब पीस को या बैकड्रॉप को आप इसके पीछे स्टिक भी कर सकते हैं डबल साइड और किसी भी और टेप की हेल्प से, बट मेरे को ऐसे रखना था। एंड अब हम करेंगे थर्ड स्टेप इज आर ब्यूटिफुल सिंहासन जो कि हम इसे रहते हैं। मैंने सारी चीजें बहुत ईजी बजट फ्रेंडली एंड ब्यूटीफुल रखी है, तो बस अब हम अपने गणपति बाबा जी को रख देंगे। मेरे पास कोई सेपरेट इनकी मूर्ति नहीं थी, एक बड़ी तस्वीर थी, तो मैं गणपति बाबा और लक्ष्मी जी दोनों को रख रही हूँ। एंड ये क्यूट सी माला हम कैसे बोल सकते हैं, इनको भी लगा देती हूँ। हमारी जो डेकोरेशन है वो तो डन हो चुकी है, अब हम इसमें एक प्लस पॉइंट हम दिया कैसे बोल सकते हैं। ये भी मैंने डेकोरेट किया है, बट ये मैंने पता नहीं मतलब स्कूल टाइम में डेकोरेट किया था स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए, एंड तो इसकी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, बट ये सिंपल आप देख सकते हैं। एंड अभी भी मेरे को एक आइडिया है कि मैं ये फेरी लाइट भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि एक बहुत 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 अच्छा मतलब लुक आ जाए। तो जैसे मैंने लीव्स लगाई थी सिमिलरली मैंने बस वैसे ही चारों तरफ इसमें फेरी लाइट लगा दी है। एक मिनट ऑन करके दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रही हो, बट हाँ दिख रही है थोड़ी थोड़ी, भी टेंशन मत दीजिए, मैं आपको एक बार फाइनल लुक दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दिया ऑन करती हूँ, उधर थोड़ी ज्वेलरी खरीदती हूँ। लाइटर ले लिया मेरे पास क्योंकि मैंने थ्रेड जलाने के लिए थ्रेड यूज करने के लिए लाइटर रखती हूँ, तो बस जल्दी से जला देती हूँ। एंड इट्स डन, कितना प्यारा लग रहा है यार, मतलब कितनी जल्दी हो गया। एंड मैं और फाइनल लुक क्लोजली लुक दिखा रही हूँ। गोष्टी आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चित्र। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। एंड तो कैसी लगी आपको ये बजट फ्रेंडली डेकोरेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप इस पर और भी डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।